दोस्तों आज हम बात करेंगे एडसिन अप्लाई कैसे करें और अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतें, क्योंकि बहुत सारे एडसिन कैंसिल हो जाता है, अप्लाई करते हैं कैंसिल होता है, 6-6 महीने लग जाते हैं अप्रूव होने में। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव पांडे और आपका स्वागत करता हूँ बिंदास पुश पे। अगर आप नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे हर रोज नई टिप्स लाते रहता हूँ, अर्निंग से रिलेटेड, टैक्स सॉल्यूशन से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग बहुत गीता, बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड नए नए वीडियोज लाता रहता हूँ हर रोज। चलिए से शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ टाइप करेंगे गूगल एडसेंस। तो आपको ऐसा बोर्ड देखने मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गूगल एडसेंस पे। आप यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे जगह पे। उसके बाद से क्या करना होगा, आपका जो भी वेबसाइट होगा आप यहाँ पे वेबसाइट का अपना URL देंगे, आप ईमेल आईडी देंगे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आप अपना अकाउंट बनाए हैं या फिर जिससे आप अटैच करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना देंगे यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको चाहिए यहाँ पे हेल्प चाहिए उनके लिए तो हेल्प एस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से क्या होगा, आपको एक कोड मिलेगा और एक दूसरा ऑप्शन भी है। जैसे अगर ऑलरेडी आप यूट्यूब चला रहे हो, अगर आप नए नहीं हो तो नए लोगों के लिए है कि जो फर्स्ट टाइम एडसिन पे आ रहा है उसके लिए है। अगर कोई अगर यूट्यूबर है, यूट्यूब चला रहा है और अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो उसको अटैच कराने के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप ना यहाँ कस्टम URL पे आएंगे। कस्टम URL पे आने के बाद से कस्टम अदर प्रोडक्ट, सॉरी अदर प्रोडक्ट पे आएंगे। अदर प्रोडक्ट पे आने के बाद से क्या होगा, देखिए माई एड्स पे क्लिक करेंगे, माई एड्स के बाद से अदर प्रोडक्ट पे आएंगे। अदर प्रोडक्ट पे आने के बाद से यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आप पहले से YouTube को कनेक्ट कर चुके हैं अगर एडसेंस से, तो फिर उसके बाद से आपको एक स्टैंडर्ड डोमेन परचेज करना होगा। क्योंकि जो भी अकाउंट होता है होस्टेड अकाउंट होता है, जो फ्री आपका होता है होस्टेड अकाउंट लिखा भी है, तो होस्टेड अकाउंट दो होस्टेड अकाउंट एडसेंस नहीं सपोर्ट कर सकता, एक ही होस्टेड अकाउंट सपोर्ट कर सकता है। तो आप यहाँ एक डोमेन परचेज कर सकते हैं। डोमेन परचेज करने के बाद से अगर आपको जानना हो कि डोमेन कैसे परचेज करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी डोमेन परचेज किए होंगे तो आप यहाँ पे इसका लिखने के बाद से यहाँ सबमिट कर, आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड को क्या करना होगा, आप अपने हेड में जो भी वेबसाइट है आपका उस वेबसाइट में जाकर के, जैसे सपोज दैट मैं दोनों के लिए बताता हूँ, अगर आपका ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर के लिए भी बता देता हूँ और अगर आपका वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस के लिए बता देता हूँ। वर्डप्रेस में जाएंगे और अपीयरेंस में जाने के बाद से एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे थीम हेडर का ऑप्शन आएगा। थीम हेडर में जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहला जो हेड वाला ऑप्शन आएगा नीचे ऊपर देखिए HTML लिखा है, HTML के बाद से यहाँ पे आप हेड में जाइएगा। हेड से ब्लॉगर में है तो ब्लॉगर में क्या करना होगा, आपको जाना होगा थीम में,
थीम में जाने के बाद से एडिट एचटीएमएल पे जाना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक करके कंट्रोल एफ करना होगा। कंट्रोल एफ करने से आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा। सर्च बॉक्स में लिखना होगा आपको ऐसे हेड, क्लोज कर दें और उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। ओके, हाईलाइट हो जाएगा। आप उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इंटर करके आप यहाँ पे मत कीजिएगा, इंटर करके जस्ट हेड के नीचे करना। जैसे यहाँ पे मेटा दे रहा है ना, यहाँ पे जा करके इंटर जब करेंगे तो यह कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कर्सर यहाँ पे आने के बाद से उसको पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद सेव थीम कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद से क्या होगा, दोबारा जा करके वहाँ पे आप डन कर दीजिएगा। चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद से आप डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद से आपको जीमेल क्या करेगा, सॉरी आपको एडसिन क्या करेगा, 3 से 4 दिन में आपको एक रिप्लाई करेगा कि आपका एडसिन कंफर्म हो गया है या नहीं। दोस्तों काफ़ी सारे एडसिन क्या हो रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें यह 4 चीज़ कंपल्सरी होना चाहिए, अबाउट अस, उसके बाद से पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये 4 चीज़ें होना चाहिए जरूर है। उसके बाद से 5-10 पोस्ट, कम से कम 10 पोस्ट तो जरूर होना चाहिए, जो कम से कम 800 वर्ड से अबव लिखा हो। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, 800 वर्ड से अबव होना चाहिए। मैं आपको एक और अपना वेबसाइट दिखाता हूँ, इसी को विजिट साइट, देखिए फ्री शॉपिंग का वेबसाइट है जिस पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। चूंकि आप शॉपिंग साइट है, अभी इस पर अपडेट नहीं हुआ है, ये कॉमर्स साइट है, तो एडसिन केवल अप्रूव करने के लिए यहाँ पे सारा कुछ देखिए, यहाँ पे सारा पोस्ट हमने किया हुआ है। और आपको डोमेन परचेज करना हो तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं कैसे डोमेन परचेज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट कर रखा है, यहाँ पे तो ऐसे सारा है, कोई भी पोस्ट आप खोलेंगे तो आपको 800 से अबव का ही आपको मिलेगा। सारा 800 से अबव का सारा है, तो ऐसे आपको पोस्ट लिखने हैं। इमेज नहीं लगा, इमेज से उनको सख्त नफरत है, एडसिन को इमेज से सख्त नफरत है, तो कोशिश ये कीजिए इमेज से, इमेज को अवॉइड कीजिए, पिक्चर फोटो को अवॉइड कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की इस पर कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और आप इन सारे जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये सारा कुछ आप डिस्क्लेमर ये सारा कुछ आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर नहीं लिख पाते हैं तो आप इस ब्लॉग में जाइएगा बिंदास पोस्ट पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिंदास पोस्ट अपना है, तो आप यहाँ जा करके आप यहाँ से इन दोनों को, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर को आप कॉपी पेस्ट, जैसे यहाँ पे है, आप बस क्या कीजिएगा यहाँ पे जो भी बिंदास पोस्ट, जैसे मैं अपना ब्लॉग लिखा हूँ तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे लिंक, पोस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से बस कॉपी कीजिएगा। उसके बाद से ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे अपना जीमेल आईडी दे दीजिएगा चेंज करके, आप यहाँ पे अपना URL दे दीजिएगा, यहाँ पे अपना सिटी दे दीजिएगा और जो भी कंट्री होगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। सारा आपको मिल जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी और उसके बाद से आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा दोनों आपको। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, और अगर आप
नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और यूजफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हम ऐसे ही हमेशा हर रोज आपको अर्निंग टिप्स, टेस्ट सेशंस और अनबॉक्सिंग, भगवद गीता, मोटिवेशन, बिजनेस रिलेटेड आपको नई नई पोस्ट हर रोज आपको देता हूँ और देने की कोशिश करता हूँ, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।